आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर एम, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर 3 एंड माइनस 6 रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ एम एंड एन आर। देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें टर्म्स गिवन है 1 प्लस एक्स टू द पावर एम और दूसरा गिवन है 1 माइनस एक्स टू द पावर एन। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन लिखे तो एक्सपेंशन कैसे लिखा जाएगा? इट विल बी, पहले हम 1 प्लस एक्स टू द पावर एम का लिखे अगर, तो 1 प्लस एम एक्स, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, एम इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये लिखा हमने 1 प्लस एक्स टू द पावर एम का। अब 1 माइनस एक्स वाले, माइनस वाला टर्म है तो ऑल्टरनेट चलेगा, एक माइनस एक प्लस, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब, तो स्क्वायर होगा पावर 4 होगा तो प्लस का टर्म हो जाएगा, क्यूब पावर 5 होगा तो निगेटिव टर्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एम माइनस एन इंटू एक्स मिलेगा, प्लस अब इसको देखिए तो एम इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, प्लस ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर तक की ही रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम फर्दर और टर्म्स नहीं लिख रहे हैं, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव गिवन एक्स वाले का 3 और एक्स स्क्वायर वाले के लिए 6, तो एम माइनस एन ये एक्स वाला टर्म हो जाएगा, तो जब कंपेयर किया मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एम माइनस एन की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, अब हम दूसरे वाले टर्म को देखिए, इसमें से अगर हाफ को कॉमन भी लेते हैं मतलब मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं तो ये एक मिल गई, सेकेंड एक्स स्क्वायर वाले की बात करेंगे तो क्या है, 1 अपॉन 2 एम ब्रैकेट में एम माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 एन एन माइनस 1 और माइनस एम एन भी है ये एक्स स्क्वायर वाला, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, माइनस 6। देखिए दो इक्वेशन बन गई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम अगर हाफ को एलसीएम के फॉर्म में ले लें एम और फिर उस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड, तो प्लस का एन एन माइनस 1 माइनस का 2 एम एन, इट विल बी माइनस 12 हो जाएगा। अब इसको ओपन करिए, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एन माइनस 2 एम एन इज इक्वल टू माइनस 12। अब हम लिख सकते हैं इसको एम माइनस एन का होल स्क्वायर, क्योंकि जो टर्म मिल रहा है एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2 एम एन, बचा क्या, माइनस एम माइनस एन, माइनस कॉमन ले लीजिए तो एम प्लस एन हो गया इक्वल्स टू माइनस 4। यहाँ पे हमें मिला था एम माइनस एन की वैल्यू 3, अब हम इसे पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं आप इसे 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस एम प्लस एन विल बी इक्वल्स टू माइनस 12, मतलब 9 माइनस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू माइनस का 12, इट मीन्स माइनस कॉमन ही रहने दीजिए, एम प्लस एन विल बी इक्वल्स टू माइनस का 12 माइनस 9, ठीक है, उधर जाके माइनस का एम प्लस एन विल बी इक्वल्स टू माइनस 21, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम प्लस एन विल बी 21। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन में एम माइनस एन की इज इक्वल्स टू 3 है और दूसरी इक्वेशन में एम प्लस एन 21 है। अब हम इजीली इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी भी मेथड से सॉल्व करके एम और एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एम विल बी इक्वल्स टू 24, तो एम की आ गई 12 और एम की वैल्यू को हम मान लो यहाँ पुट कर देते हैं, 12 माइनस एन बराबर 3, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, तो दो आंसर्स आ जाएंगे क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला था एम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और एन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर, एन 9 है एम 12 है, तो इस बेस पे ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 बोथ आर द करेक्ट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।